यस, दिस इज योर जगम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 30 सॉल्व करूंगा। आई थिंक ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। यदि आप इसी तरह के वीडियोज रेगुलर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। साथ ही जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। यदि आप इसका प्रीवियस एक्सरसाइज देखना चाहते हैं या फिर इससे रिलेटेड बुक्स के और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। पेशेंस के साथ आपको कंप्लीट वीडियो देखना है, तभी आप बेहतर समझ पाएंगे। तो चलिए अब इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। पहला अनुवाद है, यह सोहन है, ठीक है। तो दिस इज सोहन, यह सोहन है, दिस इज सोहन। यह सोहन नहीं है, दिस इज नोट सोहन। क्या यह सोहन है, इज दिस सोहन। अब यहां पर आपको ध्यान ये देना है कि जब आप निगेटिव सेंटेंस देखोगे, ठीक है, तो निगेटिव सेंटेंस में इज या फिर आर के बाद आपको नोट लगा देना है, ठीक है, उसके बाद कंप्लीमेंट देना है। और यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, प्रश्नवाचक वाक्य हो, ठीक है, तो इज या फिर आर से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे और उसके बाद कंप्लीमेंट में जो नाउन होगा उसे लिख देंगे। क्या यह सोहन है, इज दिस सोहन। अब है, वह सीता है, दैट इज सीता। वह सीता नहीं है, दैट इज नोट सीता। क्या वह सीता है, इज दैट सीता। यह दूध है, दिस इज मिल्क। मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले ए या फिर एन का प्रयोग नहीं करते हैं। और यहाँ पर सोहन या फिर सीता ये प्रॉपर नाउन था, इसलिए प्रॉपर नाउन के पहले भी जनरली एन का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। यह दूध नहीं है, दिस इज नॉट मिल्क। क्या यह दूध है, इज दिस मिल्क। वह सोना है, दैट इज गोल्ड। गोल्ड भी अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले भी एन का प्रयोग नहीं होगा। वह सोना नहीं है, दैट इज नॉट गोल्ड। क्या वह सोना है, इज दैट गोल्ड। यह गाय है, दिस इज ए काउ। अब यहां पर आप देखो कि काउ के पहले मैंने ए लगाया, क्योंकि काउ क्या है, काउंटेबल नाउन है, ठीक है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए या फिर एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यह गाय है, दिस इज ए काउ। अब है, यह गाय नहीं है, तो दिस इज नोट ए काउ। यह गाय नहीं है, दिस इज नोट ए काउ, ठीक है। क्या यह गाय है, इज दिस ए काउ। क्या यह गाय है, इज दिस ए काउ, ठीक है। वह बैल है, दैट इज एन ऑक्स। अब यहां पर आप देखो, ऑक्स क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है, तो इसके पहले एन का प्रयोग होगा। और ऑक्स का जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, वोवेल साउंड है, ऑक्स है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, वोवेल साउंड है, इसलिए यहां पर एन का प्रयोग किए हैं, ठीक है। वह बैल नहीं है, दैट इज नॉट एन ऑक्स। वह बैल नहीं है, दैट इज नॉट एन ऑक्स। क्या वह बैल है, तो इज दैट एन ऑक्स।
क्या हुआ बैल है? इज दैट एन ऑक्स। अब है ये अंडे हैं, दीज आर एग्स। अब यहां पर आप ध्यान दो कि सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल नंबर है, ठीक है, इसलिए कंप्लीमेंट में जो नाउन है वो यदि काउंटेबल है तो उसे भी हम क्या करेंगे, प्लूरल बना देंगे एस या फिर एस लगाकर। तो यहां पर मैंने एस लगाकर इसे प्लूरल बना दिया, ठीक है। ये अंडे हैं, दीज आर एग्स, ये अंडे नहीं है, दीज आर नॉट एग्स, ये अंडे नहीं है, दीज आर नॉट एग्स। अब क्या ये अंडे हैं? तो आर दीज एग्स, क्या ये अंडे हैं? आर दीज एग्स। अब है वे गेंद हैं, दोज आर बॉल्स। अब यहां पर आप देखो बॉल क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना। अब यहां पर सब्जेक्ट चूंकि प्लूरल था, ठीक है, इसलिए कंप्लीमेंट में जो नाउन था सिंगुलर काउंटेबल नाउन, उसको मैंने एस लगाकर उसे प्लूरल बना दिया, बहुवचन बना दिया, ठीक है। वे गेंद है, दोज आर बॉल्स। अब वे गेंद नहीं है, दोज आर नोट बॉल्स, वे गेंद नहीं है, दोज आर नोट बॉल्स। अब क्या वे गेंद है? आर दोज बॉल्स, क्या वे गेंद है? आर दोज बॉल्स।